चलते चलते हम लोग आ गए हैं इस्लामिया इंटर कॉलेज के बाहर, और गेट के बाहर इस वक्त हम लोग खड़े हैं। बाहर का नज़ारा दिखा देते हैं, फिर अंदर आपको हम लेकर चलते हैं। अंदर भी बहुत बड़ा जलसा होता है और मार्केट बहुत बड़ी लगती है। किताबें, कुतुब खाना वगैरह, यहाँ सब लोग किताब लेने के लिए, उलमाए कराम की एक तादाद सिर्फ किताब ही लेने के लिए यहाँ पर आती है। और ये देखिए गुब्बारा है जिस पर लिखा हुआ है कि 104वां उर्से आला हज़रत और TTS वगैरह। ये बहुत दूर से दिखाई देता है, लोग दूर ही से देखकर समझ जाते हैं कि इस्लामिया इंटर कॉलेज वही है। तो इस्लामिया इंटर कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ज़रूरत के सामान भी मिलते हैं, किताबें भी मिलती हैं। तो अभी हम वो सारी मार्केट भी आपको दिखाएंगे, हमारे साथ बने रहें। यह है इस्लामिया ग्राउंड का मंज़र। ये इस्लामिया इंटर कॉलेज के अंदर की मार्केट है जो उर्से आला हज़रत के मौके पर लगती है। और जैसा कि हमने आपको बाहर भी बताया कि यहाँ पर कुतुब खाना वगैरह लगते हैं, तकरीबन 50 से ज़्यादा कह लीजिए, 50 तकरीबन तो होते ही हैं जो बुक डिपो की शक्ल में आते हैं और यहाँ पर किताबें लगाते हैं, और उलमाए कराम जो उर्से आला हज़रत में आते हैं वो ख़रीद कर यहाँ से लेके जाते हैं। ये इस्लामिया इंटर कॉलेज के अंदर ही का मंज़र है जैसा कि देख सकते हैं। और इस्लामिया इंटर कॉलेज के अंदर भी एक जलसा होता है जैसा कि मैं जूम कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा स्टेज इस्लामिया इंटर कॉलेज के अंदर लगता है। तो यहाँ पर भी कुल शरीफ होता है और यहाँ पर लोग लाइन लगाते हैं, इनको टाइम नहीं मिलता है, इतनी भीड़ यहाँ पर होती है। ये मार्केट देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ झंडे मिलते हैं। तो माहिर अबिन नूर के पहले ही यहाँ पर झंडे बिकना चालू हो जाते हैं और लोग यहाँ से ख़रीद कर लेके जाते हैं दुकानों के लिए। तो देखिए हमारे साथ भी कुछ लोग आए हैं, मार्केट करेंगे, झंडा ख़रीदेंगे और वो ले जा कर के अपनी दुकान में रखेंगे, क्योंकि माहिर अबिन नूर करीब है। तो ये सारी मार्केट जो हम आपको दिखा रहे हैं ये इस्लामिया इंटर कॉलेज के अंदर ही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं झंडा वगैरह कितने खूबसूरत खूबसूरत मिलते हैं, और यहाँ पर जो है बहुत कम रेट में मिलते हैं, इसीलिए तो यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ से ख़रीद कर लेके जाते हैं और अपने दुकानों में उसे बेचते हैं। तो ये फैज़ाने आला हज़रत है कि हर तरफ से जो है फैज़ाने आला हज़रत से हम सब माला माल हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी मार्केट है जैसा कि आप ख़ुद देख सकते हैं कि हर दुकान पर लोग खड़े हैं, लेकिन अभी खाली है, लेकिन धीरे धीरे जो है क्योंकि ये कुल शरीफ के बाद का मंज़र है ना, तो इसी वजह से लोग खाली हो रहे हैं धीरे धीरे। चलते चलते बरेली शरीफ में कानपुर से आए हुए एक हज़रत हमको मिले जो बहुत ही अच्छी किताबत करते हैं, तो हमने सोचा कि उनसे किताबत करवा लें। तो वो किताबत कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे टैलेंट छुपे हुए हैं जो उलमा की कदर नहीं हो रही है, तो वो अपनी बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। काश यही टैलेंट अगर हमारे मदरसे में उनको इज़्ज़त के साथ रखा जाता, अच्छी तनख्वाहें दी जाती, तो आज ये रोड पर नहीं बल्कि मदरसे की जीनत बने हुए होते। तो ये हमारी कमी है जो हमारे कौम की कमी है, लिहाजा अगर हम आज नहीं सुधरे तो हमारे लिए बहुत बुरा दिन आने वाला है। वैसे आप तो जान ही रहे हैं कि हमारे लिए बुरा दिन चल ही रहा है, लिहाजा अपने उलमा की कदर कीजिए ताकि आपके उलमा आपकी खिदमत करें, दीन की खिदमत करें, और जो उनके अंदर टैलेंट है वो आपको दिखाएं। तो बहुत ही खूबसूरत देख रहे हैं आप, कितना अच्छा लिख रहे हैं हज़रत। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इनसे इसी तरह दीन का काम लेता रहे। तो उम्मीद है ये सारी वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में।